अस्सलामुअलैकुम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल राइट टू टाइम पे। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और हम भी बहुत बढ़िया है। तो आज था जुमा, जुमा की नमाज अदा की है, खाना वगैरह खाए और अबू भाई पहुंच गए हमारे अड्डे पे और आगे बोलते भाई आज कुछ अलग करने हैं आपने। मतलब क्या अलग करने हैं? तो बोलते हिजामा करें, हिजामा बोले तो इंग्लिश में उसको बोलते कपिंग, जो आपकी इम्प्योर ब्लड जो रहता है वो सब निकलते हैं। तो फिलहाल हम लोग अबू भाई के घर पे है, इन्होंने हमें किडनैप करके लेके आ गए यहाँ पे। तो अभी हिजामा वाले आ रहे तो हिजामा करेंगे और आपको इसका बाद का क्या चेंजेस होता है तो बाद की तब्दीली बताएंगे। तो आज हम दोनों भाई हिजामा कराने वाले। भाई हमारे को तो ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है, लेकिन चलो नया एक्सपीरियंस देखेंगे क्या होता है। क्योंकि ऑलरेडी मैं तो पहले करा चुका हूँ। जैसे आपको फॉर एग्जांपल कहीं बॉडी में पेन या कुछ है, आपको मसल्स प्रॉब्लम है, बैक प्रॉब्लम, जॉइंट प्रॉब्लम, ये सब तो गैस का इशू है किसी को, हाँ गैस का भी इशू है, तो बहुत सारे फायदे हैं उसमें कराने के लिए। और हम लोग उसमें बोला जाता है कि सुन्नत भी है, कराना चाहिए। सुन्नत के वैसे 5 पॉइंट होते हैं जो बैक में होते हैं, सर का भी कराएंगे। और पहले जैसे सर का जो हिजामा होता था, कपिंग जिसको बोलते हैं, वो एक्चुअल में होता था करके बाल साफ करना पड़ता था उसके बाद। लेकिन अभी टेक्नोलॉजी नहीं है, मशीन भी आ चुकी है, तो इसमें हेयर कट नहीं कराना पड़ता है। मुझे तो बैक में प्रॉब्लम है और भाई को शोल्डर में प्रॉब्लम है इस तरह, तो कराएंगे इंशाल्लाह। फिर अपडेट देंगे आपको कैसा भी जो भी रहेगा। अभी आ रहे हैं हिजामा वाले को, तो हाँ आजकल फैसिलिटी है भाई आपके घर पे आ गया, आपको हिजामा करके जाएंगे जी, तो बहुत अच्छा है, घर बैठे आप करा सकते हो। हाँ मतलब मिनिमम 5 पॉइंट तो कराते हैं, मतलब 1 पॉइंट का 500 लेते और सर का 1 पॉइंट का 100 रुपीज़, सॉरी 1 पॉइंट का 100 रुपीज़, तो 5 पॉइंट का 500 रुपये और सर का जो है 1 पॉइंट का 150 रुपीज़ है। मशीन वगैरह आ गई ना, वो मशीन का चार्जेस है, हाँ, पहले तो 100 रुपये लेते थे। और अगर आप फुल बॉडी कराते तो उसमें कुछ कंसेशन भी है, और अगर ज्यादा पॉइंट कराते हो, पॉइंट जितना ज्यादा होगा उतना डिस्काउंट मिल जाता है। तो फिलहाल आप, हम लोग जो है अबू भाई के घर पे है और वो आसमान पे अबू भाई का घर, तो तब तक वो आते तब तक हम लोग टाइम लैप्स लेते हैं सूरज चाचा डूबने की कगार पे, सनसेट टाइम। तो सनसेट टाइम हो गया और हम लोग टाइम लैप्स लेते हैं सनसेट का, तब तक वो एंजॉय कीजिए आप। भाई सन हो गया सेट और हम भी हो गए सेट हिजामा कराने के लिए। तो अबू भाई आपको दिखाएंगे अभी हिजामा के जो पैचेस है वो कैसे होते हैं, और बहुत ही अच्छा रहा फर्स्ट एक्सपीरियंस। तो ये बेसिकली कैसा सुन्नत जो पॉइंट होती है, तो 5 पॉइंट होती है, तो हमने थोड़ा प्रॉब्लम था इधर नेक में बाइक चला के, तो हमने करा लिया 8 पॉइंट। तो 8 पॉइंट का होता है 100 के हिसाब से 800। तो फर्स्ट टाइम था हमारा, तो हमें 100 रुपये डिस्काउंट मिला, 700 में हमारा 8 पॉइंट हो गया। तो इसमें क्या एक ऐसा छोटा सा कप लगता है और फिर उसको सक करते हैं उस स्किन को, उसके बाद फिर वो कप हटा के बारीक उससे ब्लेड आता है उससे कट करके, फिर उसके बाद कप लगा के उसको ज़्यादा प्रेशर देते हैं वैक्यूम टाइप का। तो पहुंच गए भाई काठियावाड़ी एक्सप्रेस इन होटल फाउंटेन के जस्ट बाजू में, जो होटल है एक्सप्रेस इन, वहाँ पे भाई को खाना था थाली, तो पहुंच गए यहाँ पे थाली खाने। तो ज़्यादा भीड़ नहीं है आज, अबू है, अन्नू है और मैं हूँ, बस 3 जन है। रिश्तों के भी रूप। तो आज के डिनर मेन्यू जो है हमारी वेज है, जो कि बहुत रेयर है कि हम लोग कहीं जाके वेज खाए। तो आज वेज स्पेशल मेन्यू जो कि एक्सप्रेस इन होटल में, ये बाजरे की रोटी है पूरा घी मार के, ये देखिए आप घी देख सकते हो, और ये नॉर्मल चपाती है, पापड़ है नीचे, ये जो है ये रसीला ढोकला है, और ये कचौरी है, दाल है, और ये मूंग है दही वाला, गवार की सब्ज़ी है, आलू टमाटर की सब्जी, और ये जो आइटम है ये मिक्स वेज है जो कि मीठा है, जो स्कैम हो चुका है हमारे साथ। खाना सिर्फ हम दो भाई खा रहे हैं, इनका आज व्रत है, हाँ आज ये शोएब भाई बने हुए हैं। तो चलिए डिनर कंप्लीट करते हैं। तो यार भाई खाना हो गया हमारा एक्सप्रेस इन में, और कुछ एक अलग एक्सपीरियंस था काठियावाड़ी खाना खाने का। वैसे तो हमें तीखा बहुत पसंद है, यहाँ पे मोस्टली डिशेस सब काठियावाड़ी हुए, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो।
स्वीट डिशेस थी बट खाना अच्छा था। अगर किसी को थोड़ा मीठा खाना पसंद है तो वो आ सकता है यहाँ पे एक्सप्रेस इन में। यहाँ आए थे हम एक्सप्रेस इन होटल में और यहाँ पे एक्सप्रेस इन वालों ने यहाँ पे चार्जिंग जोन भी लगाया है। अगर किसी के इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो यहाँ पे आप चार्ज भी कर सकते हो व्हीकल अपनी। पार्किंग भी बहुत बढ़िया है और पीछे बहुत अच्छा इनका ग्राउंड है और ये कुछ ऐसी दिखती है एक्सप्रेस इन होटल। यहाँ पे अगर आप नॉनवेज खाना चाहते हो तो हमारा फेवरेट एक आइटम है जिसका नाम है दिलखुश कबाब। तो कॉलेज टाइम में हम अक्सर यहाँ पे दिलखुश कबाब खाने आते थे। तो अभी पान खाएंगे और हमारा डिनर कंप्लीट करेंगे। तो भैया देखो ये है हमारा पान। वेज खाने के बाद मीठा पान तो होना बहुत ज़रूरी है। जब इतना मीठा खा लिया तो कुछ और मीठा भी खाएंगे। और ये अबू भाई देखो स्वीट डिश जो हमें लास्ट में मिली थी तो भैया उठा के लेके आ गए टिश्यू पेपर में। तो दिन काफ़ी अच्छा रहा आज हमारा। आज कुछ नई चीज़ की हमने इजामा तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। आपकी प्योर ब्लड जो है आप निकाल सकते हो, आपकी बॉडी की टॉक्सिन्स आप निकाल सकते हो। तो ये कुछ नई चीज़ ट्राई की, अच्छा लगा। और उसके बाद भाई लोग मिले और शाम में यहाँ पे आ गए काठियावाड़ी खाना खाने। खाना काफ़ी अच्छा था बट स्वीट था। मेन कोर्स में स्वीट डिश, हाँ मेन कोर्स में स्वीट डिश थी तो हमारे लिए तो नहीं अच्छा है, बाकी आप लोग ट्राई कर सकते हो। सर्विस बहुत अच्छी थी उनकी और वेराइटीज़ भी काफ़ी अच्छी थी। तो वीडियो यहीं तक शॉर्ट रखते हैं। यहाँ तक वीडियो देख लियो तो पता ही क्या करना। चलो करते फिर मैटर क्लोज। तो फिलहाल अबू भाई आपको हिजामा के बारे में कुछ बताएं। आइए क्या बताऊँ। अरे